हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इसके पहले का क्लिप मिस हो गया। एक्चुअल में मैं बना रही हूँ वेजिटेबल और कैबेज का सूप बना रही हूँ, जो कि लो कैलोरी डाइट है और हेल्थ वेट लॉस के लिए बहुत ही मस्त है। अगर आपने ये कैबेज का सूप लगातार 3 दिन, मतलब 2 दिन लिया, तो ऑटोमेटिक आपका 1 से 2 किलो कम होगा विदाउट एनी एक्सरसाइज। तो इसको मैं कोकोनट ऑयल में बना रही हूँ। तो कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा गार्लिक डाला है, अनियन और जो भी वेजीज हैं आपके पास वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गार्लिक, ऑनियंस, टोमेटो, कैप्सिकम और कैबेज डाला है और इसको थोड़ा हल्का से सौते कर लिया है। और इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च डालना है। इसमें लाल मिर्च नहीं डलेगा क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं आएगा लाल मिर्च का। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सूप पी रहे। काली मिर्च डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, बॉडी फैट को बर्न करता है। जो स्टबन बेली फैट होता है उसको बर्न करता है। अगर आपका बॉडी पूरा स्लिम है पर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो टमी एरिया है वो बहुत ही हैवी है, तो आप ये कैबेज वाला सूप ट्राई करिएगा। बहुत सारे लोगों को कैबेज नहीं पसंद, पर जो चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी होती है ना, वो कभी भी टेस्ट के लिए अच्छी नहीं होती। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो आप नॉर्मल सॉल्ट की जगह हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि आयोडीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने, मतलब डेली में हमें मिनिमम, जैसे आप देख सकते हैं, आयोडीन नहीं होने से जो थ्रोट होता है उसके पास वो कुछ, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर कुछ होता है जो कि हमारे मतलब क्या कहते हैं, थायराइड के टाइप में कुछ ऐसा स्वेलिंग सा आ जाता है हमारा जो गला गर्दन होता है। पर आयोडीन सच में इम्पॉर्टेंट है। पर क्या है ना, डेली जितना आयोडीन मुझे चाहिए, मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बाहर कुछ भी नहीं खा रही हूँ। मैं थोड़ा बहुत मतलब चकना चुकना कर लेती हूँ तो सफिशेंट हो जाता है मुझे। पर कोशिश करूँगी कि मैं हिमालयन पिंक सॉल्ट को और इस सॉल्ट को मिक्स करूँ। हिमालयन पिंक सॉल्ट में आयोडीन वाला सॉल्ट भी मिलता है, तो बहुत मुश्किल से तो मुझे ये वाला पिंक सॉल्ट मिला है। अब मैं आयोडीन वाला पिंक सॉल्ट अगर अमेज़ॉन में मैंने सर्च किया है, बहुत ही मतलब नॉर्मल, ये पिंक सॉल्ट भी बहुत महंगा है। तो जब मुझे नॉर्मल दुकान में सस्ते में मिल रहा है तो फिर मैं ऑनलाइन क्यों पैसा वेस्ट करूँ, ये सोच के मैं दुकान में देखूँगी। नहीं मिलेगा तो लो सोडियम सॉल्ट, टाटा का जो ग्रीन वाला पैकेट आता है लो सोडियम सॉल्ट, वो वाला सॉल्ट और पिंक सॉल्ट को मिक्स करके यूज़ करूँगी अभी पूरे मतलब लाइफ लॉन्ग, ताकि मैं एक हेल्दी खा सकूँ। और हमेशा तेल भी चेंज करते रहना चाहिए, एक ही तेल नहीं खाना चाहिए। एक ही तेल खाने से हमारे बॉडी को मीन्स सेफ नहीं है। तो अगर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल हमें चेंज कर देना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम रोज़ ऑलिव ऑयल नहीं खा सकते। तो ऑलिव ऑयल की जगह आप तिली का तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं लो बजट में। और ऑलिव ऑयल इतना महंगा नहीं, पर उससे थोड़े सस्ते में मिल जाएगा आप लोगों को, तो वो ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर में 3-4 विजल इसको मरवा लिया है। आप चाहे तो नॉर्मली ढक के कढ़ाई में भी पका सकते हैं। टाइम लगता है, टाइम किसके पास होता है। और डाइट फूड्स ऐसे होते हैं, अगर आप डाइट में हो ना तो कोई बना के देता है तो खाने की इच्छा होती है, नहीं तो फिर हे कौन हमारे लिए बनाएगा बोल के हम छोड़ देते। तो यहाँ पे मैं इसको मैश कर लूँगी अच्छे से, ताकि मतलब ऐसे वेजीज वेजीज नहीं लगे और सूप की कंसिस्टेंसी, बस इतना ही है सूप और कुछ नहीं है। पर यहाँ पे मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि मुझे पूरी सूप वाली फीलिंग आए, इसलिए मैंने यहाँ पे एकदम मतलब बहुत ही हल्का सा एक छोटा सा चम्मच कॉर्नफ्लोर का पानी में घोल के डाला है बस। और मतलब ताकि मुझे फीलिंग आए, मुझे ऐसा लगे कि मैं सूप पी रही हूँ, ना कि ऐसा लगे कि मैं बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रही हूँ। इसका कैलोरी काउंट होता है। ये मैंने 3 टाइम के लिए बनाया, मॉर्निंग, आफ्टरनून मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और इसका एक बाउल का कैलोरी काउंट होता है 68 कैलोरीज। और अगर आप वेट लॉस के लिए तो आप 900 to 1200 पर डे कैलोरीज इंटेक करेंगे, तो विदाउट एक्सरसाइज भी आप लूज़ होंगे वेट। तो आप 68 को, और एक बाउल आपको बहुत काफ़ी हद तक मतलब 3-4 घंटे आपको फुल रखेगा। तो आप सोचिए, अगर आपने दिन में सिर्फ 200 या 300 कैलोरी ही कंज्यूम किया है
और इसमें आपको एनर्जी भी अच्छी मिलेगी कि चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बहुत देर तक फुल लगता है। तो आप ही सोचिए, 2 दिन में अगर आपने सिर्फ छः, मतलब कहाँ आप 1 दिन में 3,000 2,000 कैलोरी कंज्यूम करने वाले, आपने 300 कैलोरी कंज्यूम किया है, तो कितना बॉडी में चेंज हुआ है और कितने जल्दी वेट लॉस, मतलब वेट रिड्यूस होगा। कैलोरी इंटेक के ऊपर, मुझे इसकी कैलोरी इसलिए पता है क्योंकि मैं जो भी खाती हूँ, मैंने एक ऐप डाउनलोड करके रखा है, माई फिटनेस पल, तो उसमें मैं कैलोरी काउंट्स करती हूँ कि रोज का मेरा, मतलब नो एक्सरसाइज, मुझे वीकली 1 kg लूज करना है, ऐसे मैंने उसमें डाला है कि मंथली मुझे 4 kg लूज करना है। तो मेरा उसमें कैलोरी इंटेक जो है वो 1200 का दिखाता है, तो मैं 1200 कैलोरी बिल्कुल इंटेक नहीं करती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। मेरा कैलोरी इंटेक 600 700 तक लास्ट हो जाता है, फिर मैं उसमें एक्सरसाइज करती हूँ, तो एक्सरसाइज का जो कितना कैलोरी मैं बर्न करती हूँ उतना वो फिर उसमें माइनस हो जाता है। मतलब 600 में अगर मैंने 200 कैलोरी बर्न किया है तो फिर वो मेरा कैलोरी इंटेक 400 हो जाता है, कि मतलब मैंने 600 खाया है पर जो मैंने बर्न भी 200 किया है, तो मेरा इंटेक जो होता है वो 400 हो जाता है। तो ऐसे हम अपने जो इंटेक हम खा रहे हैं उसका भी सॉरी उसका भी मतलब एक रिकॉर्ड रख सकते कि हम इतना खा रहे हैं। तो कभी कभी हमें जंक खाने की इच्छा होती है, ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको आइसक्रीम या फिर कुछ भी खाने की इच्छा होती है बाहर का, तो उस दिन जो हम नॉर्मल हमारा कैलोरी इंटेक कर रहे हैं उसको कम करके, मतलब ये चीज़ नहीं खाते हुए वो चीज़ खा लेना है। अगर आप एक आइसक्रीम खा रहे हो तो एक आइसक्रीम में 600 कैलोरीज होता है, और आप सोच रहे हैं कि मैं दिन में सिर्फ 600 कैलोरीज खाऊंगी, तो आप एक आइसक्रीम से पूरा दिन निकालना पड़ेगा आपको, बाकी आप कुछ नहीं खा सकते। मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा सूप रेडी है, तो आज मैं आप लोगों के साथ कैबेज के कुछ रेसिपी बता रही हूँ, क्योंकि कैबेज बहुत ही अच्छा है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी है। तो क्या होता है, ब्रेस्ट साइज रिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कैबेज से हम अपना मतलब ब्रेस्ट साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, आपको कहीं भी अपना जो ब्रेस्ट साइज है रिड्यूस करने वाला वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा। कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो कि पूरा बॉडी, जब ऑटोमेटिक आप दुबले होंगे तो ऑटोमेटिक ब्रेस्ट भी दुबला होगा, क्योंकि ब्रेस्ट साइज नहीं पर जो हमारा बैक, जो बैक फैट होता है वो कम होता है, तो इसलिए हमको लगता है कि हमने वहाँ से मतलब साइज रिड्यूस हुआ है। तो ये इजी है, मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है, और अगर हाँ आप चाहते हैं कि मैं ऐसे कुछ रेसिपीज़, इजी रेसिपीज़ जो जल्दी बनते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो मैं खा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऑलमोस्ट 7 kg वेट लॉस कर लिया है हेल्दी, मुझे कोई मतलब चक्कर नहीं आ रहे, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे जस्ट आई साइट का प्रॉब्लम है, मुझे चश्मा, नंबर वाला चश्मा है, मतलब आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा में बताओ तो, जिसका पॉइंट जो है वो बहुत बढ़ गया है और मेरा चश्मा टूट चुका है। तो मैं रेगुलरली अभी एक 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो गया मैं चश्मा नहीं लगा रही हूँ, और टीवी देखना, मोबाइल इचकना, ये सब काम कर रही हूँ, तो मेरे आँखों में प्रेशर पड़ रहा है जिसके कारण मुझे सर दर्द हो रहा है, और जब भी मुझे सर दर्द होता है मुझे वॉमिटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। तो बस वही है डाइट के कारण, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी खा रही हूँ हेल्दी खा रही हूँ, जंक नहीं खा रही हूँ, और जो चीज़ हेल्थ मतलब मैं अपना फैट का काउंट बराबर रख रही हूँ, विटामिन्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है वो मेरे उसमें आ जाता है कि मेरे को रोज इतना कंज्यूम करना है और मैं कंज्यूम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के साथ बता रही हूँ, कैबेज को यूज़ करके बेसन का चीला बनाते हैं ना, तो चीला को ही मैं एक अलग तरीके से सैंडविच के जैसे बनाऊंगी, नो ब्रेड सैंडविच आप कह सकते हैं। तो यहाँ भी आपको जो वेजिटेबल्स चाहिए आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर और कैबेज लिया है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च लिया है और हिमालयन पिंक सॉल्ट ले रही हूँ, इसमें ब्लैक पेपर की ज़रूरत नहीं है, लाल मिर्च खा सकते हैं हम इसमें, और ये भी बहुत अच्छा टेस्टी रेसिपी बनता है। जस्ट रेसिपी को देख लेने से आप लोगों को समझ में आएगा क्या होता है। मैंने ये बैटर को मतलब थोड़ा ज़्यादा बना दिया था, तो नेक्स्ट डे ये नाइट डिनर के लिए बना रही हूँ, तो नेक्स्ट डे मैंने इसको ब्रेकफास्ट में भी खाया है। तो कोई नहीं, कभी कभी आप एक साथ मिला के रख सकते हो, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में सेम ही चीज़ खा सकते हैं। थोड़ा सा हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, वेट इतने इजीली
लॉस नहीं होता है जितने इजीली गेन होता है। तो अगर हमने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखा, हमने हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर लिया कि हमें करना है तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर आप स्किप करना ही चाहते हैं, कोई एक मील स्किप करना चाहते हैं, तो आप स्किप करिएगा डिनर। अगर आप सोचते हैं कि डिनर मेरे से स्किप नहीं होगा, तो डिनर का टाइम थोड़ा सा मतलब आगे कर लीजिए। जैसे अगर आप खाते हैं 8 बजे 9 बजे, तो आप खाइए 6 साढ़े 6 बजे। आपको बता दूँ, आपको सुन के बहुत हंसी आएगी, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी बिजी रहूँ, कुछ भी रहूँ, मैं 6:30 बजे खा लेती हूँ। अगर मुझे बाहर जाना है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये टाइम को हम बाहर जाएंगे, आने में लेट होगा, मैं बोलती हूँ कुछ भी हो जाए मुझे खाना है, नहीं तो उसके बाद फिर मैं नहीं खाती। और कभी कभी लेट हो जाता है तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। नाइट को मैं डिनर स्किप करती हूँ, मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ और गुड़ वाली दूध, हल्दी और गुड़ वाली दूध पी के सो जाती हूँ, पर मैं नहीं खाती हूँ, उसके बाद नहीं खाती हूँ। थोड़ा सा आदत करने से एक हेल्दी डाइट, ये मुझे ना मतलब एक आप लोगों को बताती हूँ, मेरी एक ट्यूशन आंटी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था, जब मैं 16 सोमवार के उपास करती थी, तो आंटी के साथ मैं हर श्रावण सोमवार को मंदिर जाती थी। तो आंटी ने मुझे बताया कि शंकर भगवान ने नंदी जी से कहा था, जाके मतलब पृथ्वी धरती में जाके सबको बताना कि 3 टाइम नहाए, 1 टाइम खाए। तो नंदी जी ने ऐसे ऐसे सर हिला दिया, और जब वो नीचे आए बताने के लिए, तब तक वो भूल गए थे। तो भूल के उन्होंने ये बताया कि 1 टाइम नहाना 3 टाइम खाना। तो हम मोटे होने के कारण शायद से कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नंदी जी है, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते ना कि 3 टाइम खाना है और 1 टाइम ही नहाना है, तो हम 1 टाइम खाते थे और 3 टाइम नहाते थे और हम बहुत अच्छे हेल्दी रहते थे। अब हम को 3 टाइम खाने का मिला है, तो हम ब्रेकफास्ट खा लेते, हैवी ब्रेकफास्ट खा लेते, हैवी लंच खा लेते, हैवी डिनर खा लेते, बीच में स्नैक्स खा लेते, चुटुर पुटुर खा लेते, बाहर जाके ये खा लेते वो खा लेते, और हम मोटे हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आप मोटे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज़ अपने आप को दोष ना दे, सब दोष नंदी जी को दे कि उन्होंने गलत बताया इसलिए हम मोटे हैं। तो जस्ट एक जोक है, पर ये शायद से मतलब मुझे बताए थे, तो मैं भी कभी कभी सोचती हूँ सही है, अगर हम एक ही टाइम खाते तो हम सब हेल्दी रहते। और किसी किसी को जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, जो मोटापा वो कम खाते हैं, फिर भी हार्मोन्स के कारण वो मोटे रहते हैं। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, तो आप जब तक आपका माइंड नहीं बोलेगा कि आपको वेट लॉस करना है, आपको हेल्दी रहना है, आपको थोड़ा फिट रहना है, तब तक आप नहीं कर सकते। तो मेन रोल हमारा प्ले करता है ब्रेन। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ आज 2 रेसिपी शेयर की है और बहुत सारी बातें शेयर की है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी थोड़े हेल्दी और मतलब अच्छे टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो भी कमेंट सेशन में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब खुद के लिए मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे लिए ही बना रही हूँ, क्या वीडियो शूट करूँगी। फिर कभी कभी लगता है कि ये रेसिपी शेयर करना चाहिए, कुछ अलग है इसमें, इसलिए फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वीडियो शूट कर लेती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है मैं ऐसी रेसिपी शेयर करते रहूँ, अगर आप में से कोई मेरी रेसिपी ट्राई कर रहा है, तो भी बताइएगा कि कैसी बनी। तो ये था छोटा सा वीडियो वेट लॉस के ऊपर बातें, और 2 हेल्दी रेसिपी, मॉर्निंग लंच मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की रेसिपी। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर, आप लोगों को मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।